हम उतना नहीं लोग को पहचानते हैं, उतना सब लोग हमको पहचानते हैं। बिहार में किसान चाची के नाम से फेमस राजकुमारी देवी के जीवन पर फिल्म बन रही है और सीरियल बन रही है और ये छोटे पर्दे पे आएगी MX प्लेयर पे। और हमारे साथ किसान चाची है और उस सीरियल का नाम है आप देख सकते हैं पीछे कस्तूरी। एक छोटी सी बच्ची भी आपको दिखाई दे रही होगी जिसमें किसान चाची के पूरे जीवन के बारे में इसमें दिखाया गया है। सबसे पहले हम किसान चाची से बात करते हैं। किसान चाची आपको तो लोग जानते हैं, अब आप पर एक सीरियल बन रही है और छोटे जो OTT प्लेटफॉर्म पे है उस पे देखिए कैसा लग रहा है? हमको अच्छा लग रहा है। फिल्म तो हम नहीं अभी देखे हैं, हमसे बात पूछ कर बना है तो अभी देखे तो नहीं, हम कैसे कन्फर्म करें जो फलना फलना चीज उसमें कमी है चाहे अच्छा है। लेकिन आप लोग को देख कर हम प्रसन्न हैं कि अच्छा काम हो रहा है, तब ना आप लोग इतना जागरूक होकर हमसे पूछ रहे हैं चाहे अथी कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोग को देखकर हम प्रसन्न हैं। और जब चलेगा तो अच्छा बना होगा, जो हम कहे वही बना होगा तो भी चलेगा। तो हम अपने जीवन में जो संघर्ष किया, जो मेहनत की, उसी का ये नतीजा है कि अब हाँ वही हमसे पूछ कर बना गया तो बनाया गया है। तो अभी बना है सो हम तो नहीं देखे हैं, तो इसलिए क्या बना कैसे बना पहले पूछ रहे हैं आप। कहीं इसमें बनेगा होगा चलेगा तो कहीं गलती भी होगा तो वो तो हम नहीं देखे हैं, इसलिए ये सीरियल को नहीं कुछ देख रहे हैं। नहीं बोले हैं सब, माने जो हमसे पूछे उसी आधार पर बना रहे हैं, लेकिन चलेगा तब ना हम देखेंगे जी हाँ कितना सही है, जो हम कहे उतना है, अभी देखे तो नहीं है। क्या बताइएगा आप अपने बारे में, जो नए दर्शक है उन्हें पता चल सके कि हाँ आपने कितना जीवन में संघर्ष किया है। अब जितना हम संघर्ष किए ना, सब आदमी के मोबाइल पर सब कोई क्या है, गूगल पर जितने लोग हैं सब कोई देखते रहता है, सब कोई हम उतना नहीं लोग को पहचानते हैं, उतना सब लोग हमको पहचानते हैं तो देखते रहते हैं। अब क्या बताएं, कितना चाहता बता दीजिए, संघर्ष के विषय में तो कितना बता दीजिए। साइकिल पर अचार बेचना कितना टफ था? अचार पहले तो ये हुआ, साइकिल सीखना कितना टफ था। जब 40 साल की उम्र में हम साइकिल सीखे, हम गिर गए थे, हमारे यहाँ के डॉक्टर अखिलेश्वर बाबू हैं, आज सर्जन हो गए हैं, वो बोले कि 40 साल का उम्र है, हड्डी टूटेगा तो बनेगा नहीं, से साइकिल क्यों सीख रहे हैं। तो भी हम कहे कि देखिए हम काम करते हैं, कहीं कहीं जाना पड़ता है, हमको गाड़ी नहीं मिलता है, इसे साइकिल सीख लेंगे तो सवेरे से काम करेंगे, उन लोग के यहाँ जाएंगे, जाने आने में हमको दिक्कत नहीं होगी, एक एक घंटा रोड पर खड़ा होते थे, हम इस समय को बचाव के लिए साइकिल सीखे। काफ़ी संघर्ष किए हैं किसान चाची और यही वजह है कि जो राजीव जी प्रोड्यूसर हैं इस सीरियल के, उन्होंने इनके जीवन पे फिल्म बनाई, इस जो सीरियल है या फिल्म बोला जा सके OTT प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे चैनल कैसे इस तरह का आपका प्लानिंग हुआ और क्या खास है इस सीरियल में? देखिए बेसिकली ये कॉन्सेप्ट की बात चाची जी से पिछले 1.5 साल से चल रही थी और आज़ाद चैनल, बेसिकली आज़ाद चैनल पे आएगा, आज़ाद चैनल के थ्रू ये MX प्लेयर पे आएगा, उनसे संपर्क में थे और उन्होंने अपनी जो स्टोरी बनाई उससे रिलेटेड उन लोगों ने एक फाइनल एक ड्राफ्ट मेरे पास पहुंचा और उसमें फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चाचा जी की हम बचपन से कहानी दिखाएंगे। तो उसलिए हमने एक बच्ची के रोल से, मतलब समझ लीजिए 8-10 साल की एज या 12 साल की एज से हमने आगे की पूरी कहानी दिखाई। कहानी हूबहू मैं नहीं कहूँगा कि चाची जी बोल रही हैं वैसी ही है, उसमें किरदार कुछ आपको आगे पीछे मिलेंगे लेकिन जो माइलस्टोन्स हैं, जो चाची ने जो बताया जैसे वो साइकिल से गिर गई या वो सब माइलस्टोन सेम रहेंगे लेकिन उसमें आसपास कुछ किरदार हो गए, कुछ हम उसको रोचक बनाने के लिए हमने कुछ एक और किरदार जोड़ दिए होंगे जो शायद कॉमिक रिलीफ भी ला रहे होंगे। कहानी सेम रहेगी लेकिन वो एक फिल्मांकन उसका डिफरेंट रहेगा, ट्रीटमेंट डिफरेंट रहेगा। कब से ये रिलीज हो रही है? ये 6 जून से आपको ऑन एयर मिलेगा 8:30 बजे इस चैनल पर। तो ये प्रोड्यूसर थे इस कस्तूरी फिल्म और सीरियल के और इनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरीके से चाची ने जो संघर्ष किया, इनके पास जो स्क्रिप्ट आया उस हिसाब से इस फिल्म पे काम किया और सबसे खास बात है कि किसान चाची के बारे में लोग सुनते थे जानते थे, अब उनकी बारे में लोग पिक्चर में देख सकते हैं और TV सीरियल में देख सकते हैं MX प्लेयर के माध्यम से। सुजीत कुमार, बिहार तक, पटना।